हमेशा के लिए साबित कर दी कि सौदा ऐसे भय में दाखिल नहीं होता। सलाह देने पर पकड़ मत पाओ। दानी गिरानी यही फजीलतें थी, यही वो गुलदस्ता था। शेर सालत पनाह ने 63 साल की जिंदगी में हमारे सामने पेश कर दिया और जाते जाते भी ये फरमाया, देखो इनका दामन न छोड़ना, मैं तुम्हें बेवाली वारिस नहीं छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि दो दिन तुम्हें देके जा रहा हूं। अगर अल्लाह के कलाम को समझना है तो किसी और से मत पूछना, इन्हीं से पूछना, इसलिए कि वो साबित कुरान है। ये बोलते हुए कुरान। लोगों को भी बोले नहीं, वो ये नहीं फरमाया था, बस उन्होंने फरमाया था किताब अल्लाह व सुन्नत, यानी चूंकि इनकी आदत पड़ी हुई थी बुतों को पूजने की। नए नए मुसलमान हुए थे, खसलत कहा जाती, लिहाजा कहने लगे हम तो नहीं मानते अहले बैत को। रसूलुल्लाह ने सुन्नत कहा, सुन्नत क्या मतलब? हदीस रसूल। अब आप मुझे आपको से बताइए, हमारा दीन अल्लाह का शुक्र है कि दीन अक्ल है, बेअक्लों का दीन शिया मतलब नहीं है। कौशला भेजे पर मोहम्मद के बेटा, आप लोग का दीन, उन्होंने सामित कहा किसको? दोनों सामित चीजें मान ली, एक कुरान माना और एक सुन्नत मानी। ना बेचारी सुन्नत बोल सकती है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं, और ना बेचारा कुरान बोल सकता है। हमने आज तक किसी रोड पे चलते हुए आदमी को टोकते हुए किसी कुरान के पढ़ने को नहीं देखा। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था कि अगर इनका दामन पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि लन यक्तरिका अलैहिल हौज, ये दोनों भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज कौसर पे आके कौसर तक की गारंटी पैगंबर ने दी है कि अगर इन दोनों से मुतमस्किन हो जाओगे, यानी कुरान और अहले बैत से, तो ये कयामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हौज कौसर कहाँ है? मुसलमान भूल गया कि हौज कौसर जन्नत में है। मरा जा रहा है गंदे कामों से बचाऊंगी, बस इसकी गारंटी मेरी है। कहीं लिखा कि नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी? जन्नत कैसे मिलेगी? उन लोगों को मानने से मिलेगी जिनको अल्लाह के नबी हमारे हवाले कर चुके हैं, हमारे सुपुर्द कर चुके हैं। यानी कुरान से अगर कानून लेना है तो उसको समझने के लिए अहले बैत दरकार है, और ये अल्लाह की गारंटी है कि सुबह कयामत तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें इनका कोई ना कोई वाली वारिस मौजूद ना हो। और उसके बाद पैगंबर से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मेरे बाद मेरे खुलाफा की, मेरे इमामों की, मेरे मसीहों की, मेरे जानिशीनियों की तादाद भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12 है, न 13 है न 11 है। अब इससे बढ़कर और क्या हिदायत होगी कि पैगंबर ने फरमा दिया मेरे बाद तुम्हारे 12 मेरे 12 जानिशीन होंगे, 11 को इन्होंने मार डाला। बड़े खुश थे कि हमने 11 को मार डाला और 12वें को ढूंढते रह गए, आज तक नहीं मिला। जब नहीं मिला तो कहने लगे अभी पहले ही मिला, पैदा नहीं हुए तो रसूलुल्लाह ने यह कैसे कह दिया कि मेरी फातिमा का नवा होगा, मेरी फातिमा का नवा बेटा होगा। नवा बेटा तो है नहीं, मैं 42वां बेटा आपके सामने बैठा हूँ। फातिमा ज़हरा की नस्ल में 42वां बेटा मैं आपके सामने बैठा हूँ। रिसालत पनाह ने फरमाया कि मेरी फातिमा का नवा बेटा मेहंदी आपको जमा होगा, तो मानना ही पड़ेगा कि वो खुदा की निगाह में मौजूद है। तुम्हारी निगाह में अंधे हो जाओ।